हेपेटाइटिस सी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। हेपेटाइटिस सी लिवर को डैमेज करता है, कभी कभी लिवर में कैंसर भी हेपेटाइटिस सी की वजह से हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर भाविक शाह, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट और एंडोस्कोपिस्ट, मेडिजेनिक्स गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी सेंटर रायपुर से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस सी के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं, हेपेटाइटिस सी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। WHO के हिसाब से इंडिया में करीब करीब 15 से 20 करोड़ लोग हेपेटाइटिस सी से संक्रमित। हेपेटाइटिस सी जैसे कि हेपेटाइटिस बी भी है, 90-95% लोगों में कोई साइंस, कोई सिम्टम्स, कोई भी बीमारी के संक्रमण के साइंस नहीं मिलते। हेपेटाइटिस सी नॉर्मली ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, नीडल शेयरिंग और माता से बच्चों में ट्रांसमिट होने की संभावना रहती। तो हेपेटाइटिस सी लिवर को डैमेज करता है, सिरोसिस, यहाँ तक कि कभी कभी लिवर में कैंसर भी हेपेटाइटिस सी की वजह से हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 20 करोड़ करीब करीब इंडियन लोगों में हेपेटाइटिस सी पाया जाता है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हर एक इंडिविजुअल हो उसका हेपेटाइटिस सी का टेस्टिंग हो। हेपेटाइटिस सी का टेस्टिंग करने के बाद अगर हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव पाया जाता है तो आजकल बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो करीब 3 महीने से लेके 6 महीने तक का थेरेपी का कोर्स रहता है और हेपेटाइटिस सी का संक्रमण पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर इस बारे में कोई भी क्वेरीज हो तो हमसे संपर्क करें। थैंक यू।